4 पे हम लोग आ गए हैं। 3.4 में बोला है समीकरण युग्मों को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से हल करना है, और आपको बोला है कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। देखो प्रतिस्थापन विधि के सवाल बहुत कर चुके हैं, अब आ गए होंगे अच्छे से समझ में, तो प्रतिस्थापन विधि स्वयं हल करके देख सकते हो। विलोपन विधि से मैं करा रहा हूँ इसको, और दोनों में से तुम्हें जो भी विधि अच्छी लगे वो लिख देना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये तो पूछ लिया ऐसी। तो विलोपन विधि जो है ये मैं अब करा रहा हूँ आपको, विलोपन विधि ठीक है ना, इसको मैं हल कराऊंगा विलोपन विधि से। विलोपन विधि विलोपन विधि विलोपन विधि में क्या है, देखो विलोप कर देते हैं यानी हटा देते हैं एक चीज को, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, यानी एलिमिनेट करना एक चीज को, हटा देना ठीक है समीकरण से। तो हम इसमें क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4, अभी तो कोई संख्या नहीं कट रही, तो हम क्या करेंगे इसको समीकरण एक मान लो, इसको समीकरण दो मान लो। देखो दो, इसका दो का गुणा समीकरण एक में कर दो, और यहाँ पे कुछ भी नहीं तो एक का गुणा कर दो ठीक है। अब यहाँ पे देखो दो का x में गुणा 2x, दो का गुणा y में 2y बराबर 2 × 5 = 10, एक का गुणा इसमें करेंगे तो कुछ अंतर नहीं पड़ेगा, यही लिख दो 2x माइनस 3y बराबर 4। अब यहाँ लिखना पड़ेगा घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाएंगे, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, तो ये जो नीचे चिन्ह बदले हैं वही चिन्ह देखे जाते हैं, तो माइनस प्लस कट गए एक जैसे हैं, ये दोनों प्लस के हो गए, 3 × 2 = 5y बराबर, ये माइनस के हैं 10 में से 4 गए 6y बराबर 6/5, ये आ गया। अब y का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक या दो किसी में भी रख सकते हैं कोई इश्यू नहीं है, y का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रख देंगे तो समीकरण एक है अपने पास x प्लस वाई बराबर 5, वाई का मान कितना है 6/5, तो x प्लस वाई का मान 6/5 बराबर 5, इसको उधर पक्षांतर कर दो x बराबर 5, यहाँ पे माइनस के हो जाएंगे 6/5, तो x बराबर इसके नीचे एक मान लो 5 × 25 माइनस 6 × 6/5 = 5, x बराबर 25 में से 6 घटा दो तो कितने बचे 19/5, ये लो x और y के मान आ गए। ये आपकी विलोपन विधि, ये प्रतिस्थापन विधि से आप लोग खुद कर ही सकते हो ठीक है ना।